डिब्बे में महिला का शव मिलने की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। शनिवार को उज्जैन देहरादून एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में महिला का शव मिला। महिला का शव एक बैग में रखा गया था जबकि उसके हाथ पैर गायब थे। महिला के कटे हाथ पैर इंदौर से 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश में मिले हैं। महिला के हाथ पर मीरा बेन नाम लिखा है। शव के सभी हिस्से मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कातिल तक पहुंचे इसके लिए महू से इंदौर और देवास से उज्जैन के बीच 80 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। क्योंकि इस घटना के बारे में मीडिया के माध्यम से वहां पर जीआरपी देहरादून को जानकारी थी, उन लोगों ने इससे कोरिलेट करते हुए कंट्रोल रूम के माध्यम से थाने का नंबर लिया और यहां पर कांटेक्ट किया। और जब उनसे वहां के थाना प्रभारी त्रिलोक सिंह राणा है उनसे और मेरी बात हुई तो उनने फिर उसके फ़ोटो वगैरह शेयर किए। तो जैसा आपने यहाँ की घटनाक्रम में महिला की बॉडी के दोनों हाथ कंधे के पास से और घुटने के ऊपर से दोनों पैर कटे हुए थे, सेम वहाँ पर जो ऑर्गन्स। शनिवार को इंदौर महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में महिला की कटी हुई लाश मिली थी। दो अलग अलग बोरे में महिला के शरीर को काट कर रखा गया था। फिलहाल इस वक्त मैं लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन मौजूद हूँ। यहाँ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ से ट्रेन चलती है उज्जैनी देहरादून। उज्जैनी देहरादून एक्सप्रेस लक्ष्मीबाई नगर से निकलती है और ऋषिकेश जाती है। ऋषिकेश जब ये ट्रेन पहुंचती है तो ऋषिकेश ट्रेन में जब सफाई की जा रही थी ट्रेन की तो उसके स्लीपर कोच में एक पॉलिथीन में हाथ और पैर मिलता है और हाथ और पैर महिला के होते हैं क्योंकि हाथ में चूड़ियां होती हैं। उसके बाद ऋषिकेश पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है और जब इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि शनिवार के दिन इंदौर महू नागदा पैसेंजर ट्रेन में भी एक युवती की लाश मिली थी जिसके शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। फिलहाल इस वक्त मैं लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन मौजूद हूँ। ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से उज्जैनी देहरादून एक्सप्रेस चलती है। तो अब अलग अलग एंगल पर इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही, खास तौर पर तमाम जो छोटे छोटे स्टेशन हैं इंदौर लक्ष्मीबाई नगर सैफी नगर राजेंद्र नगर महू जो छोटे छोटे स्टेशन हैं वहाँ के आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। चल से चल हत्यारों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोस के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। सिकड़ी में उज्जैन के वार्ड नंबर 45 के कांग्रेस पार्षद को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पार्टी ने कांग्रेस के पार्षद राजेंद्र गब्बर को 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजेंद्र गब्बर ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से इस्तीफा मांगा था और उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 800 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जोखिम भरी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद ना पीने के पानी की सुविधा है ना ही आवास की। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार विभाग को आवेदन दिया गया लेकिन सुनवाई नहीं हुई, ऐसे में वो हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टाइगर रिजर्व की सुरक्षा प्रबंधन के लिए चुनौती बन गई है। हमारी मांगे वर्षों से ये थी कि बांधवगढ़ और मध्य प्रदेश को हमने टाइगर स्टेट का दर्जा दिलवाया, मैदानी अमले ने अपना खून पसीना लगाया, आज उसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। हमारे लिए आवास रहने लायक नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्क भ्रमण के लिए हमारे परिवार को भटकना पड़ता है तब जाके कहीं टिकट मिलती है। हमारी यही मांगे हैं कि हमारे कर्मचारियों को श्रमिकों को जिनकी वजह से आज बांधवगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम विश्व विख्यात है उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। ऐसी छोटी समस्या है, मतलब है कर्मचारियों को उनको बताए हुए बात भी की है, कुछ ऐसे हैं हल जो कि तत्काल में संभव नहीं है, कुछ शासन स्तर के हल है जो हमने शासन को भेजा हुआ है, कुछ स्थायीकरण की या कुशल वाली बात है तो वो भी हमने मुख्यालय पर मार्गदर्शन के लिए लिखा हुआ है, इससे कर्मचारियों को अवगत करा दिया गया है तो शासन स्तर से भी निर्णय होगा इसमें। नर्मदापुरम में जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। इटारसी पथरोटा के बोरतलाई गांव की घटना है। यहां खेत नापने आए पटवारी के सामने ही झगड़ा हो गया, पथरोटा पुलिस ने केस दर्ज कर दिया।
वहीं छतरपुर में एक महिला और उसके दो पतियों के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नगर पालिका गेट इलाके का है, जहां एक पत्नी और दो पतियों के बीच सड़क पर ही जमकर लात घूंसे चले हैं और इस फैमिली ड्रामे को वहां देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पूरी लड़ाई को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लिया और अब ये वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि चार बच्चों की ये महिला अपने पहले पति को छोड़कर पिछले 6 महीने से लापता थी। अचानक इसके पहले पति ने इसे किसी और के साथ देख लिया, जिसके बाद तीनों के बीच जमकर बवाल हुआ। के लिए सरकारी काम मतलब पूरे कागज छुड़ा लिए थे हमारे, तो हम दोबारा कागज बनवाने के लिए आए थे राशन कार्ड के लिए, तो इन्होंने हमें देख लिया घर वाली को, हम जो फोटो कॉपी कराने के लिए गए, इन्होंने हमें मार दिया, उसको भी मार दिया, हमें मार दिया, हमें घर वाली को, मैं अपना कोर्ट मैच भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। दो पति का मामला है। हाँ, आप कौन से पति होंगे? दूसरे नंबर के। हाँ, कब किया आपने कोर्ट मैच? हमने अभी किया, आगे सिंगरौली के एनसीएल में ओबी मिट्टी हटाने का काम कर रही कंपनी के कर्मचारियों के रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। रिश्वत लेने वाला कर्मचारी सिक्कल कंडोई कंपनी का बताया जा रहा है। वीडियो में नोटों की दो गड्डियां दी जा रही हैं और टेबल पर बकायदा नोट गिने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि विस्थापित युवाओं को रोजगार देने के नाम पर कर्मचारी रिश्वत ले रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पहले ही कंपनी की कार्यशैली से नाराज लोगों ने कंपनी का काम बंद कर दिया था और सड़क पर जाम लगाया था। धार में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें दूर दूर से ही देखी जा रही थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाना शुरू किया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आसपास के जो प्लॉट थे उन्हें भी खाली करवाया गया और ऐसी आशंका है कि ये आग यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से लगी। पीवीसी की पाइप फैक्ट्री थी और तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की ऊंची लपटों, काले धुएं के गुबार को, जिस तरह से यहाँ पर आग लगी हुई है। और क्योंकि ये एक फैक्ट्री थी तो ऐसे में यहाँ पर बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल रखा हुआ था, इसी वजह से आग लगातार फैलती चली गई और कड़ी मशक्कत का सामना यहाँ पर आग बुझाने में करना पड़ा। पहले 10 गाड़ियां मौके पर लगाई गई दमकल की, उसके बाद 8 और गाड़ियां बुलाई गई। फायर फाइटर्स ने यहां पर कड़ी मशक्कत का सामना किया आग को बुझाने में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, इस तरह की आशंका जताई गई है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह बाउंड्री वॉल से बाहर यहाँ पर आग की लपट नजर आ रही है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और दूर से ही ये धुआं या आग की लपटें दिखाई दे रही थी। लगातार आग फैलती चली गई और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। देखिए किस तरह से ऊपर धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है, हर तरफ इस धुएं ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। सीहोर में गंगा जल संवर्धन अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत 5 ब्लॉक में जल संरक्षण की कोशिश की जाएगी। सीवर नदी के गहरीकरण का काम किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, सरकारी और गैर सरकारी 20,000 से ज्यादा लोगों ने श्रमदान किया। सीवर नदी के को और गहरा करने का काम यहां पर किया जा रहा था। 20,000 लोगों ने यहां पर वॉलंटियरली श्रमदान किया है, मदद की है यहां पर और जल संवर्धन अभियान यहां पर शुरू किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20,000 लोग यहां पर खुद पहुंचे। 5 ब्लॉक में निकल गए। जल संरक्षण की कोशिश यहां पर की गई है।
सरकार की ओर से ये अभियान यहाँ शुरू किया गया है, जिसमें सारे लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज गंगा जल संवर्धन अभियान का कार्यक्रम यहाँ रखा गया, जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन यहाँ रखा था। शहर के लगभग 15,000 से 20,000 लोग इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में श्रमदान करने उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, कि इतना संवेदनशील अभियान, संवेदनशील योजना उन्होंने लागू की है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।